ऑस्ट्रिया के एक कदम ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जो ऑस्ट्रिया के इस कदम की कड़े शब्दों में दुनिया भर के लोग निंदा कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी 7 मस्जिदों पर ताले लगा दिए हैं और वहां के इमामों को देश निकाला कर दिया है। इस बड़े कदम से ऑस्ट्रिया के तुर्की ऑस्ट्रिया से खासा नाराज है। तुर्की ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और ऑस्ट्रिया सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुर्की से बदला लेना है तो तुर्की के लोगों तुर्की की सेना से मुकाबला कीजिए। आप बेवजह वहां की मस्जिदों पर ताला लगा करके और इमामों को निकाल करके क्या साबित करना चाहते हैं कि इससे तुर्की डरेगा या संभलेगा? जो आपने वहां के इमामों के साथ किया है उस पर पूरी दुनिया से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ऑस्ट्रिया सरकार ने यह कदम सिर्फ इसलिए उठाया है कि वहां की ऑस्ट्रिया की मस्जिद में नमाज के दौरान कुछ नौजवान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की तारीफ कर रहे थे और तुर्की सेना की ड्रेस में वहां पर आकर के नमाज अदा की थी और तुर्की का झंडा लेकर के उन्होंने सड़क पर एक रैली निकाली थी, जिसको लेकर के वहां की सरकार काफी नाराज हुई और वहां की मस्जिदों पर ताला लगा दिया। और इसके बाद जो उन्होंने कदम उठाया, वहां के इमामों को देश निकाला कर दिया। इस फैसले को लेकर के तुर्की ने ऑस्ट्रिया की कड़े शब्दों में निंदा की है और ऑस्ट्रिया को सबक सिखाने के लिए एक रणनीति भी तैयार कर ली है, जिसका भुगतान ऑस्ट्रिया को बहुत जल्द ही करना पड़ सकता है। चलिए आखिर आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रिया के इस बड़े कदम को लेकर के पीछे का माजरा क्या है। ऑस्ट्रिया में बनी खूबसूरत आलिशान मस्जिदों पर सरकार ने ताला लगा दिया है और इमाम को निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में बड़ी हलचल मची हुई है और हर कोई उनके इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। खबर के मुताबिक 7 आलिशान मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया है। ऑस्ट्रिया सरकार के इस फैसले पर तुर्की ने कड़े शब्दों में आलोचना की है और तुर्की सरकार में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के प्रवक्ता इब्राहिम कालिन ने इस फैसले पर कड़े शब्दों की आलोचना की है। इब्राहिम कालिन ने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया के 7 मस्जिदों को बंद करने और एक बहाने के साथ इमाम को निष्कासित करने का फैसला इस्लाम विरोधी जातिवादी और भेदभावपूर्ण जनवादी लहर का प्रतिबिंब मालूम होता है। उन्होंने विचारधारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रथाओं के लिए बयान को दोषी ठहराया जो मानव अधिकारियों का उल्लंघन करते हैं और कहा कि इस्लामी फोबिया और नस्लवाद को सामान्य करने के प्रयासों को सभी परिस्थितियों में खारिज कर दिया जाना चाहिए। चांसलर कुर्ज की घोषणा ऑस्ट्रियाई मस्जिद में बनाई गई तस्वीरों की जांच के बाद की गई थी। गोलिमपोली 1915-16 की लड़ाई के पुनर में तुर्की झंडे लेकर सैन्य वर्दी पहन हुए लड़कों ने सैन्य वर्दी पहने हुए मार्चिंग सलाम किया था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तुर्क द्वारा संबद्ध सेनाओं की हार हुई थी। ऑस्ट्रिया सरकार ने बड़ा कदम उठाया है कि वहां की 7 मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया है और उन मस्जिदों के इमाम को देश निकाला कर दिया है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आपके सामने रूबरू होता रहूंगा। आपको यह खबर कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलिए।